नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक एम्पलीफाई में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले टेक्नो का एक नया स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ है अंडर 10,000 यानी 10,000 रुपये के नीचे जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है टेक्नो पोवा, और दूसरा जो स्मार्टफोन है जो कि है रियलमी तरफ से आने वाला रियलमी C15 यानी कि रियलमी C15। दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन काफी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में चल रहे हैं आज के टाइम पे मार्केट में। यदि आप 10,000 रुपये का कोई स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो यही दो स्मार्टफोन जो है वो आखिरकार निकल के आते हैं। फिर इनमें कन्फ्यूजन पैदा होती है कि कौन सा स्मार्टफोन हमको लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन हमको नहीं लेना चाहिए। तो इन्हीं दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंपेरिजन करके देखेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर रहेगा, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ें आपको खुद पता चल जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो आगे चल के थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले कंपेरिजन की। तो आपको डिस्प्ले में टेक्नो पोवा में आपको 6.8 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले देखने मिलती है। इसी के साथ दोस्तों आपको रियलमी C15 में भी 6.52 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले के मामले में यदि हम कंपेरिजन करके देखें तो आपको टेक्नो पोवा ही अच्छा देखने को मिलता है, जिसमें आपको जो है कलर वेरिएंट सेम देखने को मिलता है, यानी कि HD+ LCD दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। लेकिन स्क्रीन साइज की यदि बात करें तो आपको टेक्नो पोवा ही थोड़ा बहुत बड़ा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कैमरे की, क्योंकि कैमरा काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी स्मार्टफोन में। क्योंकि आज के टाइम पर यदि कोई यूट्यूबर है तो कैमरे का काम पड़ता है, कोई भी फोटोग्राफर है तो कैमरे का काम पड़ता है, नॉर्मली कुछ भी नहीं करते हो फिर भी कैमरे का यूज़ पड़ता है, क्योंकि किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटो खींचना है या फिर किसी चीज़ का फोटो खींचना है तो कैमरा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इसके साथ यदि कैमरों की बात करें बैक कैमरों की, तो सबसे पहले टेक्नो पोवा में बात करते हैं। आपको पहला कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, चौथा कैमरा एक कैमरा नहीं बल्कि एक सेंसर देखने मिलता है जो कि है AI सेंसर। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रियलमी C15 में कैमरों की, तो आपको इसमें भी 4 कैमरों का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें पहला कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का, चौथा कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और यदि दोनों स्मार्टफोन में हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिलता है, जो कि देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का। तो यदि कैमरे कंपेरिजन की बात करें तो आपको टेक्नो पोवा अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, क्योंकि यदि कोई स्मार्टफोन खरीदता है तो उसमें वो गेम प्ले वगैरह करता है, जैसे पबजी वगैरह खेलता है, फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर, कोई ना कोई गेम खेलता है, जिसकी वजह से क्या होता है यदि प्रोसेसर उसका ठीक नहीं होता है तो वो फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलती है या फिर लैग वगैरह देखने को मिलता है। तो दोस्तों पबजी के मामले में दोनों स्मार्टफोन्स में से कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए, तो वो लेना चाहिए कि आपको प्रोसेसर में आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद समझ जाएंगे आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। तो टेक्नो पोवा में आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी के साथ आपको रियलमी वाले स्मार्टफोन में यानी कि रियलमी C15 में मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बैटरी एंड चार्जर की, तो बैटरी एंड चार्जर में दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम देखने को मिलते हैं कि आपको टेक्नो वाले स्मार्टफोन में, टेक्नो पोवा स्मार्टफोन में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, और इसी के साथ रियलमी C15 में भी आपको 6000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और बात करें चार्जर की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन टेक्नो पोवा की एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसको 10 मिनट चार्ज करने पर 20 घंटे तक का प्लेबैक सिस्टम देखने को आपको मिल सकता है। ये एक तरीके से कहें तो कंपनी का दावा है कि यदि आप इसे 10 मिनट चार्ज करते हो तो 20 घंटे तक आप इसमें बिना रुके म्यूजिक सुन सकते हो। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि टेक्नो पोवा में एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जो कि कंपनी ने बताया है कि इसमें डबल IC का यूज़ किया गया है। एक IC की बैटरी आज तक आपने सभी स्मार्टफोन में देखी होंगी, बल्कि रियलमी C15 में भी एक IC की बैटरी है, जबकि इसमें डबल IC की बैटरी है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि एक IC और डबल IC में फ़र्क इतना होता है कि एक IC से 20% ज़्यादा फास्ट होती है जो डबल IC वाली बैटरी होती है वो। अब बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैटर करती है किसी स्मार्टफोन को लेने में। तो दोनों स्मार्टफोन की प्राइस आपको 10,000 रुपये देखने को मिल जाती है। और मैं आपको बात करूँ उनके वेरियंट की, तो आपको जो 10,000 रुपये में टेक्नो पोवा में जो वेरियंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 4 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसी के साथ रियलमी C15 में 10,000 रुपये में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल स्टोरेज देखी जाती है। तो यदि दोनों स्मार्टफोन में से यदि हम विनर की बात करें तो आपको सीधे सीधे टेक्नो पोवा विनर देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको कई सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले आपको इसमें डिस्प्ले भी अच्छी देखने को मिलती है, बैक कैमरा अच्छा देखने को मिलता है, प्रोसेसर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, और बैटरी एंड चार्जर सेम है, लेकिन आपको प्राइस के हिसाब से वेरिएंट का भी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टेक्नो पोवा ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करा रहा है,
और ऐसा नहीं है अगर टेक्नो पर वह कंपनी ख़राब है, टेक्नो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लाती है, तो टेक्नो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, रियलमी के बराबर नहीं है तो क्या, लेकिन स्मार्टफोन की बात चले तो फीचर्स के हिसाब से ऑन पेपर फीचर्स यदि देखे जाएँ तो आपको टेक्नो पोवा में ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, जब तक लिए धन्यवाद।